राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्योतिष प्रेमियों के पास पहुँचाना ना भूलें। आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वह विषय है पुखराज, जो कि बृहस्पति ग्रह का रत्न है, जिसे हम येलो सफायर भी कहते हैं। ये रत्न लाल किताब के अनुसार हमें क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्या हमें येलो सफायर या पुखराज रत्न पहनना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथ में बताऊंगा कि अगर आपको येलो सफायर पहनना है तो किस दिन पहने, किस वार पहने, क्या दान करें, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुखराज। पुखराज जो है ये बृहस्पति ग्रह का रत्न माना गया है और बृहस्पति ग्रह ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। मतलब ये कि बृहस्पति के अधीन हमारी कुंडली में दूसरा भाव, पांचवा भाव, नवम भाव, ग्यारहवा भाव व बारहवा भाव आता है। अब जो दूसरा भाव है यह पहाड़ी इलाके को प्रस्तुत करता है, या कहें कि उसका ये कारक है। पहाड़ी इलाका मतलब कि जहाँ पर से हमें चलायमान धन प्राप्त होता है, यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति वहीं से होती है, जल के रूप में फिर मैदानी इलाके में पहुँचता है। पंचम भाव हमारी संतान का, पंचम भाव हमारी विद्या का, पंचम भाव हमारे भूतकाल जो बीत चुका है पिछला जन्म उसका, पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का, ये भी बृहस्पति के अधीन आता है। नवम भाव हमारे गुरुजनों का, हमारी विरासत का, हमारे बड़े बुजुर्गों का क्या प्राप्त होगा हमें उनके माध्यम से, वह नवम भाव हमारे भाग्य का, यानी कि ये फैसला करेगा कि हम इस ज़िंदगी में कितने कामयाब होंगे और कितना हमें अपने भाग्य के सहारे चलना पड़ेगा और कितनी हमें मेहनत, जो कि इससे अगला भाव है कर्म भाव, करनी पड़ेगी। और इसके अलावा बात करें तो लाभ भाव, जो शनि महाराज की बैठक है, अदालत, धर्म अदालत, जहां बृहस्पति और शनि जज का रूप धारण करके धर्म कर्म से फैसला सुनाते हैं, यानी कि बात की जाए तो जो हमारा लाभ है, इनकम है, उससे शुद्ध लाभ की जो प्राप्ति होती है, कुंभ राशि इसीलिए यहाँ पर आती है, तो उसका संकेत करती है कि हम अर्निंग अपने लाभ से, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से या बड़े बुजुर्गों से कितनी करेंगे। बारहवा भाव जो है बृहस्पति, इसका कारक इसलिए कहा जाता है, या यूं कहेंगे बृहस्पति के अधीन इसलिए आता है कि जब हमारी जीवन की यात्रा पूरी होती है, हम जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जब हमारी संपूर्ण इच्छाओं की अंत हो चुका होता है और हमारा ये मन होता है कि ये संसारिक बंधन हमारा टूट जाए और हमारा मिलन उस परम पिता परमात्मा से हो जाए और इस आवागमन के चक्कर से, दुनिया के इस चक्कर से हम सदा के लिए छूट जाएं, जो समाधि का घर है, यानी कि इस आकाश से ऊपर, बारहवा घर आकाश माना गया है, आकाश से ऊपर की जो दुनिया है उस लोक का स्वामी बृहस्पति देव हैं, उनको माना गया है, यानी कि उनके अधीन आता है। तो ये पांचों जो घर हैं, इनको अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर पाया जाता है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह जो है वो अच्छी परिस्थितियों में नहीं है।
धन की कमी है, औलाद कहने में नहीं है, किस्मत का साथ नहीं मिलता, मेहनत करने के बाद लाभ की प्राप्ति नहीं होती और अध्यात्म में भी हमारी रुचि नहीं है, या यूं कहें कि जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता। तो इसका ये स्पष्ट संकेत है कि बृहस्पति ग्रह आपका किसी न किसी हालात में पीड़ित अवस्था में है। तो इसके लिए हम पुखराज रतन, जो कि लाल किताब में सुझाया गया है पंडित जी के द्वारा, आप धारण कर सकते हैं। ये लिखा है लाल किताब में कि हम रतन धारण, यानी कि पुखराज रतन के बारे में वहाँ जिक्र आता है, तो ये धारण कर सकते हैं। इससे इन पांचों खानों के शुभ फल है वह आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अब आपकी जन्म पत्रिका में ये पहले आप किसी सुयोग्य एस्ट्रोलॉजर से लाल किताब के ये जांच करवा लें कि बृहस्पति का पुखराज रतन जो है वो हम धारण कर सकते हैं कि नहीं। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम पुखराज रतन जो है वो धारण नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हालात ही कुछ ऐसे होते हैं, ग्रह की प्लेसमेंट ऐसी होती है कि हम वो चाहकर भी वो रतन धारण नहीं कर पाते। लेकिन अगर परिस्थितियां बनती हैं कि आप पुखराज रतन धारण कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर धारण करें। अगर परिस्थितियां इसी अनुसार हैं जो मैंने आपको बताई कि आपको शुभ फलों की इन खानों की प्राप्ति नहीं हो रही, तो अगर आपका शुभ रतन पुखराज बनता है आप धारण कर सकते हैं, तो इसे वीरवार के दिन धारण करना चाहिए, सूर्य उदय होने के एक घंटे के अंदर अंदर। और चने की दाल का आपको दान करना है किसी ब्राह्मण को, केसर भी दान कर सकते हैं। उस दिन अपने पिता का या दादाजी का आशीर्वाद ज़रूर लें जिस दिन ये रतन धारण करें। और साथ में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, रतन दान पुण्य जितने मर्जी कर लीजिए, उपाय जितने मर्जी कर लीजिए, जितनी देर तक आप अपने रिश्तों को नहीं सुधारेंगे उतनी देर तक कोई भी रतन कोई भी उपाय आपके काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने रिश्तों को संभालिए, ख़ास तौर पर परिवार को मत टूटने दीजिए, संयुक्त फैमिली में रहिए, संयुक्त परिवार में रहिए, क्योंकि एकता में बल है, अकेले में छल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें जोड़ में रहना है, तो आपके बृहस्पति ग्रह का आपको वैसे भी फल अच्छा ही मिलेगा। तो मैं इसी शुभकामना के साथ कि आपको बृहस्पति से जुड़ी हुई चीज़ों का शुभ फल मिले, अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। पर उससे पहले कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, वो ये कि ये बृहस्पति की सीरीज़ अगले एक बृहस्पति खाना नंबर 12 के बाद ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद सूर्य की चलेगी। तो ये आपको सीरीज़ कैसी लगी बृहस्पति खाना नंबर 12 की, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें कमेंट करके। अगर कोई कमी है तो मैं आने वाले अपने उस वीडियो में इसको सुधार सकूं। पुखराज रतन का मैंने इसलिए यहाँ पर जिक्र किया, ये ज़रूरी बन जाता था। कारण उसका ये है कि हम बृहस्पति की सभी चीज़ों का जिक्र कर दिए कर चुके हैं, तो ये कैसे छूट जाए, मतलब कि रतन का, क्योंकि ये बृहस्पति से जुड़ी चीज़ है तो इसकी चर्चा अति आवश्यक थी। अब कई बार कोई बोलेंगे कि रत्नों को तो नहीं बताती है लाल किताब, अगर आप लाल किताब को अच्छे से पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको रत्नों का जिक्र आराम से मिल जाएगा, उसमें स्पष्ट लिखा है। तो इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंचाना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राम राम।